नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले, गुड इवनिंग। मेरा नाम मेनका हंडू है, आपके दिदा। फरवरी महीने का आखिरी दिन और प्रोजेक्ट असुन को शुजान का चौथा एपिसोड। आपके दिदा तहे दिल से आपका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है और स्वागत करती है। कहीं भी दफना दो मुझे, बशर्ते मिट्टी मेरे वतन की हो। उसी वतन की दो कश्मीरी लड़कियां आज हमारे सेशन में जुड़ेंगी। आपकी उनसे कराएंगे मुलाकात और उनकी कराएंगे आपस में जान। आपको बताते चलूं कि सेशन लाइव है और किसी भी भूल चूक के लिए पहले ही माफी, क्योंकि एडिट की कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत मेहमान। वक्त जाया किए बिना आपकी भरपूर तालियों के बीच, जो आप घर पर बैठकर बजाएंगे, मैं आज के जो मेहमान बच्चियां हैं उनको ऐड करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ रही हैं खैरिया कैसर कश्मीर से और दिल्ली एनसीआर से परिस्थित सफाया। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं इन बच्चियों को ऐड करूं। एक सेकेंड। हमने इनको रिक्वेस्ट भेज दी है। आदाब दादा। आदाब बेटा, एक सेकेंड। अब हम ऐड करते हैं दिल्ली एनसीआर से परिस्थिति को। मुझे थोड़ा सा वक्त दें। ये हमने भेज दी है परिस्थिति को रिक्वेस्ट। वेट कर रहे हैं परिस्थिति का इस सेशन में जुड़ने का। हो बड़ा वक्त लगा रही हैं हमारी परिस्थिति। ओके, आइए परिस्थिति कितना इंतजार करवाएंगी हमें। इट सेज वेटिंग, एक सेकेंड। दोबारा ट्राई करते हैं, टेक्नोलॉजी है हमें ज्यादातर ये फेल ही कर देती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आज सुबह से टेक्नोलॉजी हमारे साथ आंख मिचोली खेल रही है। कैसे हो खैरिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे बिल्कुल हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी तो इंतजार में। ओके परिस्थिति, इफ यू आर एबल टू हियर अस, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट टू जॉइन। या तो अगर आप सुन पा रही हैं, तो जहां पर अश्विन कशुर का आपको मेरी शक्ल नजर आ रही होगी, वहां पे डबल क्लिक कीजिए। ओके, आई डोंट नो व्हाई शी डिक्लाइनिंग द रिक्वेस्ट। ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन। बहुत इंतजार करवा रही है तुम्हारी सहेली खैरिया, होने वाली सहेली। ओके, तब तक हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। अनुराधा जी कहती हैं गॉड ब्लेस, बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, I don't know why is she declining the request. So, oh, she's joined it, but I don't know why is she declining it. फिर से कोशिश करते हैं। ऊपर वाले ने कहा है कोशिश करते रहना चाहिए। एक सेकेंड परिस्थिति, just accept the request.
आई डोंट नो व्हाई शी इज लॉग्ड आउट. अरे भाई, पूरा कश्मीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है. खैरिया, हाँ, पूरा कश्मीर इंतजार कर रहा है ये तुम्हारी होने वाली सहेली. ऐड ही नहीं हो रही. एक सेकेंड जी. नेटवर्क. आई नो, नेटवर्क हर जगह बुरा हाल है. तुम कंप्लेंट कर रही थी ना कश्मीर में नेट स्लो चलता है, ये देखो यहाँ भी बुरा हाल ही है. आई डोंट नो व्हाई इज इन शी एक्सेप्टिंग इट. We are still waiting for Paristhish to join. Finally, Yes. नमस्कार नमस्कार. कहाँ रह गए थे आप? कोई बात नहीं, नीता. टेक्नोलॉजी बहुत धोखा दे जाती है हमें. चलें. सो आप देख रहे हैं इन दो प्यारी बच्चियों को. मेरी दाहिनी तरफ है परिश्री सफाया, जो जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली एनसीआर से, और मेरी बाहिनी तरफ है खैरिया कैसर, जो जुड़ रही हैं हमारे साथ कश्मीर से. दोनों बच्चियां एक ही उम्र की हैं, एक ही क्लास में पढ़ती हैं, और इत्तेफाक से दोनों बच्चियां अपने माँ बाप की इकलौती बच्चियां हैं. सही? हाँ. इनके नाम जो है बहुत ज्यादा सुने हुए नहीं है, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि हमें बताएं कि आपके नामों की क्या मायने हैं. हम शुरुआत करेंगे परिस्थिति के साथ. परिस्थिति क्या मतलब है आपके नाम का? मेरे नाम का मतलब है वर्शिप. वर्शिप. क्या बात है. खैर, मेरे क्या बात है. तो आप करते हैं चैरिटी एक अपने हिसाब से, राइट? ठीक है, मैं आपको बताती चलूं. ये दोनों बच्चियां जो हैं बहुत ही चुलबुली हैं. जैसे मैंने कहा कि यहाँ लाइव पर पहुंचने से पहले मेरी इनसे काफी बातचीत होती है, मैं इनको जानने की कोशिश करती हूँ. थोड़े हमारे मजेदार किस्से भी हैं जो प्रोग्राम में आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगी. और उससे पहले, चूंकि जान है, तो हमें शुरुआत करनी होगी इनके इंट्रोडक्शन के साथ. तो किसके साथ शुरू करें? परिस्थिति, आप देंगे अपना इंट्रोडक्शन पहले? चलिए शुरू कीजिए. जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम परस्तिश है. मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ. मैं गाजियाबाद में रहती हूँ. मेरी हॉबीज हैं डांसिंग. मैंने बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं. मैं कथक ज्यादातर करती हूँ, और इस साल मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है कथक का. वेरी नाइस. और आप कुछ आर्ट वगैरह भी करती हैं शायद? हाँ, किस तरह का? मैं रैंप वॉक भी करती हूँ. मैंने इंडिया किड्स फैशन वीक में शो स्टॉपर टीम में सिलेक्ट हुई थी. ओके. मस्त इंडिया में मैं टॉप 10 मिनी मॉडल्स में से एक थी. और लॉकडाउन में मेरी नई हॉबीज बनी है जी. स्केचिंग, मंडाला आर्ट, मंडाला आर्ट स्केचिंग, साइकिलिंग एंड फायरलेस कुकिंग. क्या बात है, फायरलेस कुकिंग. मुझे मंडाला आर्ट दिखाएंगे अपना, कुछ आपने बनाया है तो? हाँ, ये मैंने एक बटरफ्लाई बनाई है. वेरी नाइस, क्या बात है. तो आप हमें मंडाला आर्ट के बारे में कुछ बताएंगे? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्केचेस, द व्हाट अदर किड्स डू, हाउ इज इट डिफरेंट? मंडाला आर्ट एक्चुअली, आपने मधुबनी आर्ट का सुना होगा. मधुबनी आर्ट में क्या होता है कि कुछ बनाते हैं, उसके अंदर डिजाइन भरते हैं. जी. मंडाला आर्ट में भी वैसा होता है, बट अलग अलग डिजाइन होते हैं, डिफरेंट होते हैं मधुबनी आर्ट से. तो हम एक फिगर बनाते हैं, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन करते हैं और कॉलम्स कॉलम्स बनाकर भरते हैं. बट ऐसा लगना चाहिए कि कॉलम्स नहीं दिखने चाहिए, वो ब्लेंड हो जाना चाहिए. तो आपने इसमें कलर वगैरह भी किया है या ये ऐसे ही रहता है बिना कलर के? कलर नहीं करना. कलर नहीं करना होता. ओके, थैंक यू. सो अब हम आते हैं खैरिया पे. खैरिया, अपना इंट्रोडक्शन दें बेटा. हेलो एवरीवन. जैसा आपको पता है, मेरा नाम खाइरिया है. मेरा फुल नेम खाइरिया कैसर है. एंड मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ. मेरी हॉबी, मैं सबसे पहले रीडिंग आता है, बिकॉज आई लव रीडिंग अ लॉट. मैं पेंटिंग एंड स्केचिंग भी करती हूँ.
After this, I love vlogging and traveling a lot. You like vlogging and traveling. Okay. तो आप भी कुछ art वगैरह करती हैं शायद? Yes. For you, some. तो मैंने ये बनाया था. Okay. Very nice. And yes, this one. Oh, that seems interesting. ये इसको थोड़ा explain करेंगे आपने क्या बनाया? Actually, ये मेरा फाइल है. जो मैंने 3 languages को मिला के बनाया है, which is Arabic, Hindi and English. Arabic, Hindi and English से मिलके आपने अपना sign बनाया है, क्या बात है? That's very creative. तो आपने कहीं सीखा है या ये आपकी अपने मन में आई थी बात की? ऐसा मुझे कुछ नहीं, मैंने मुझे खुद आ गया. Very nice, very creative. 3 languages को मिला के आपने अपना signature बनाया है. Very interesting. Nice. तो अब हमें थोड़ा बहुत पता लग गया है. ओ और भी है क्या बात है? दिखाइए दिखाइए सारी. ओ नाइस. तो मैंने अच्छा, यहाँ अभी तक यहाँ दो बच्चे और जो आर्ट में जिनके और दिन की दिलचस्पी है उन्होंने भी मुझे दिखाया है. और मैंने सुना है ये यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल है जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जाता है ना. हाँ. ये जो लॉकडाउन हुआ था उसका बहुत बच्चों ने काफी फायदा उठाया है और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है उस टाइम का जिसमें आप घर पे बंद थे सारे बच्चे. वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत. तो थोड़ा बहुत हमें पता लग गया है इन दोनों बच्चियों के बारे में. मैं सवाल पूछना चाहूंगी परिस्थिति से. आप दोनों बच्चे कश्मीरी बच्चे हैं. कश्मीरी होने पर बहुत नाज है, बहुत फक्र करते हैं, रिलेट करते हैं अपने ट्रेडिशंस के साथ, अपने वतन के साथ. लेकिन अब एक बच्ची जो है वो कश्मीर में रहती है और दूसरी बच्ची जो है कश्मीर से बाहर रहती है. ठीक है, तो मैं पहला सवाल करूंगी परिस्थिति से. कुछ सवाल है कश्मीर को लेके दिमाग में? कुछ बातें आती है कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से सुना हो कि कैसा उनका रहन सहन होता था? कोई कहानी सुनी हो जिसमें से आपकी कोई फेवरेट यादगार बन गई हो कोई कहानी? मेरे मम्मा ने मुझे कहानी सुनाई है. जैसे आपको पता है कि मेरे दादू दादी जो हैं, दादा दादी, वो कश्मीर में ही पैदा हुए. okay. तो वहाँ उनके एक कश्मीरी मुस्लिम फैमिली से फ्रेंडशिप थी. okay. जब वो दिल्ली आए, कश्मीर से दिल्ली आए, तो तब उन्होंने तब मैं पैदा हुई. तो फिर जब मैं 7 months की हुई, फिर हम वापस कश्मीर गए थे. हम एक होटल में रुके थे. तो जैसे ही हमारे फैमिली फ्रेंड्स को पता चला, वो सीधा उस होटल में आए, हमसे मिले और उन्होंने कहा कि आप हमारा घर होते हुए होटल में कैसे रुक सकते हैं. उन्होंने सामान पैक करवाया और हम उनके घर रहने लगे. 2-3 दिन हम उनके ही घर रहे और फिर वापस आए. वेरी नाइस. अब आपसे ये तो पूछ नहीं सकते कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप तो सिर्फ 7 months की थी. मैं आपसे पूछ रही थी कुछ उनका कैसा रहन सहन होता था वहां पे, कुछ कैसी वो चीजें करते थे, कुछ ऐसी कोई कहानी है कोई आपकी दादी ने सुनाई हो कैसे रहते थे वहां पे वो लोग? आज सुबह ही मम्मा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि वो कुछ चीज शेल्स जैसी कुछ चीजें होती थी, छोटे छोटे शेल्स होते थे, आइडेंटिकल शेल्स, उससे वो कुछ खेलते थे. हाँ, उसको कश्मीरी में बोलते हैं हार, और डी शेप में होती है. सो आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ओके. तो अब हम आते हैं खैरिया पे. खैरिया, आप कश्मीर में रहते हैं बेटा, आपके दादू दादी भी आपके साथ हैं, पापा मामा भी आपके साथ हैं, तो कोई कहानी आपने सुनी हो अपने दादू दादी से जहाँ उनके कश्मीरी फ्रेंड्स पंडित्स के साथ फ्रेंडशिप्स थी, कोई ऐसी कहानी सुनी हो? जी, एक्चुअली मेरी जो ग्रैंडमदर है वो एक रिटायर्ड टीचर है. तो उन्हें भी लाइफ में बहुत सारे पंडित, कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स बनाए. तो वो मुझे बताया करती है कि जब हिरत होती है एंड उसके 1 month पहले जो बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे, जिसमें उनकी फेस पे अलग ही एक्सप्रेशन हुए, कि जब हिरत होती है 1 month पहले से ही वो लोग प्रिपरेशन करते हैं कि अब हमारे फ्रेंड्स आएंगे एंड वो हमें वॉलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड जब वो मुझे बातें बता रही थी, वो उनके फेस पे कुछ अलग ही स्माइल थी, अलग ही रिएक्शन था. एंड
यस, मेरे दादू के एक फ्रेंड है मकर मैजी में, तो वो लोग 20 इयर्स से नहीं मिले। ट्वेंटी इयर्स से नहीं मिले। ओके तो जी कुछ कुछ सालों पहले वो लोग जम्मू गए थे, एंड कोइंसिडेंटली उनको उनके फ्रेंड मिल गए। ओ आफ्टर आफ्टर अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम उनके फ्रेंड मिल गए, एंड दे रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर, एंड तब से आज तक दे आर बेस्ट फ्रेंड्स लाइक देयर चाइल्डहुड। वो अभी भी वैसे ही है जैसे वो बचपन में थे। तो ये उनके लिए बहुत प्रेशियस एंड हार्ट टचिंग मोमेंट था जब उनने अपने फ्रेंड को फिर से देख लिया। क्या होता है ना हमारे, मैं ये हमेशा कहती हूँ, हमारे चाहे मजहब अलग हो लेकिन हमें जो चीज जोड़ती है वो हमारा कल्चर है, जिसमें मुझे हमेशा लगता है जबान उसकी रीढ़ की हड्डी है, हमारे खाने एक जैसे हैं, तो वो जो चीजें हैं वो हम हमेशा उनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं। तो चाहे हम 20 साल के बाद मिलते हैं, 15 साल के बाद मिलते हैं, हम फिर भी एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। और यहाँ तो आपने बात की अपने चाइल्डहुड, आपके दादाजी के चाइल्डहुड फ्रेंड्स की, सो ऑब्वियसली उनका एक बहुत अरसा ऐसा रहा होगा जब वो एक साथ रहे होंगे कश्मीर में, बहुत अच्छा वक्त उनका गुजरा होगा। मैं सुनने वालों का ध्यान एक चीज की तरफ लेके जाऊंगी। खैरिया ने हमें अपने दादाजी के फ्रेंड का नाम बताया, मक्खनलाल जी, मीर मीर। तो अगर आप मीर जब आप सुनते हैं तो आपको लगेगा शायद ये किसी कश्मीरी मुसलमान का सरनेम है, लेकिन जो हमारी कश्मीरी कश्मीर है वहां पे ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ कश्मीरी पंडितों के और मुसलमानों के जो सरनेम है, फैमिली नेम्स हैं, वो एक जैसे हैं। जैसे मेरा सरनेम हंडू है तो आपको बहुत कश्मीरी मुसलमान भी मिलेंगे इस सरनेम के साथ। ये है हमारा कश्मीर और ये है हमारे कश्मीर की कहानियां। ठीक है, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था और अभी भी जिक्र किया था कि इन बच्चों से जब मेरी अकेले में बात होती है तो ये कुछ ऐसी अपनी मासूम बातें कुछ ऐसी कर जाते हैं, इन्हें समझ में भी नहीं आता कि वो कितनी बड़ी बात बोल जाते हैं। मेरी खैरिया से बात हुई थी तो खैरिया ने मुझे दो चीजें कही थी, उस वक्त मुझे हंसी आई लेकिन उनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और मासूमियत में एक मैसेज भी दे दिया। तो मुझे याद आता है खैरिया ने मुझसे कहा था, दीदा यहाँ आजकल देखो लोग लड़ते कितना है, वो भी एक दूसरे के घर जाके नहीं लड़ते, सोशल मीडिया पे लड़ते हैं। अगर लड़ना है कम से कम उसमें तो एक दूसरे के घर जाओ, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलते नहीं है। दूसरी बात इन्होंने मुझसे कही थी कि अगर लोग लड़ना बंद करेंगे तो यूएन का तो काम ही खत्म हो जाएगा ना, यही कहा था आपने। तो मुझे बड़ी प्यारी इनकी ये बात लगी थी, 10 साल की ये बच्ची है। तो मैंने कहा कि आपको मालूम है यूएन क्या करता है? कहती हाँ। कहने लगी कि हमारे एक चैप्टर है तो मुझे मालूम है कि यूएन क्या करता है। तो मुझे लगता है अगर लोग अब अपना ये लड़ना झगड़ना बंद करें तो यूएन का तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। मुझे बड़ी मासूम और बड़ी प्यारी लगी थी इनकी बात। एक और बात इन्होंने कही थी, कहने लगी कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ नहीं करती। तो 2 मिनट के लिए मैं रुकी और मैंने कहा 10 साल की बच्ची की एक पॉलिटिकल ओपिनियन भी है, तो मैंने इनसे पूछा क्या नहीं करती गवर्नमेंट। कहती गवर्नमेंट को चाहिए ना स्कूल्स में जाए और उनको बोले कि कश्मीरी में बात करो। मैंने कहा कि गवर्नमेंट का काम है नहीं है ये। तो कहने लगी कि हमारे स्कूल में हमें एनकरेज नहीं करते, आप बताओ हमें कैसे आएगी कश्मीरी, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। तो मैं सुनने वालों से कहूँ स्कूल में आपके बच्चे 5 या 6 घंटे होते हैं और आजकल तो शायद ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन बाकी जगहों बाकी टाइम वो आपके साथ होते हैं, अपने बच्चों के साथ आप कश्मीरी में बात करेंगे, जितनी वो कश्मीरी सुनेंगे उतनी उनकी प्रैक्टिस होगी और उतना वो कश्मीरी सीख सकते हैं। हमारी गलती नहीं है, हमारे पेरेंट्स कश्मीरी में बात नहीं करते, हमारे स्कूल में अलो नहीं है, हम मार्केट जाते कश्मीरी में बात नहीं करते, है ना। अगर आजकल हम कश्मीरी में बात करेंगे तो वो एक शेम होती है, एंड अगर नहीं अगर हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे वो तो बहुत ज्यादा प्राउड होगा, तो वो तो कितनी बिल्कुल कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। और देखिए बाकी लोगों पर तो हम बाकी लोगों का हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्हें हम कोई नाम नहीं दे सकते, गवर्नमेंट का कोई नाम नहीं है, स्कूल की जो बॉडीज है उनका कोई नाम नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कम से कम कश्मीरी में बात करें, तभी हमारी जो आगे की नस्लें हैं वो भी कश्मीरी सीखेंगी। बहरहाल परिस्थिति से मैंने पूछा था कि आपको कश्मीरी में बात करनी आती है, कहने लगी हाँ।
मैं बोल लेती हूँ और काफी हद तक अच्छी खासी समझ भी लेती हूँ। और उसने मुझे, मैंने कहा कि क्यों जरूरी है, पता जरूरी होना चाहिए कश्मीरी में बात करना। कहती हाँ, सीक्रेट टॉक्स के लिए तो जरूरी है ना, क्योंकि कोई दूसरा नॉन कश्मीरी आता है, उनके सामने अपनी कोई बात करनी हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कश्मीरी आनी चाहिए। तो मैंने कहा ना, ये अपनी मासूमियत में बहुत कुछ कह जाते हैं, इन्हें समझ में भी नहीं आता कि कभी कभी वो बातें बहुत फनी होती हैं और कभी कभी उनमें एक बहुत अच्छा मैसेज छुपा होता है। बहरहाल, आगे बढ़ते हुए, और एक चीज मैंने देखी है, जो बच्चे बाहर रहते हैं कश्मीर से, उनको एक चीज बहुत याद आती है और वो है बर्फ। स्नो को बहुत मिस करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा था कि मैंने करीब 50 बच्चों से बात की है, अब वो काउंट और आगे बढ़ गया है, मेरे ख्याल उसमें 8 या 9 बच्चे और जुड़ गए हैं। तो मैं जितने बच्चों से बात करती हूँ जो कश्मीर से बाहर रहते हैं, उनकी एक ही शिकायत है कि हमें देखिए, हमें स्नो देखने को नहीं मिलती। खैर, भगवान करे एक दिन ऐसा आए कि ये सारे बच्चे एक साथ रहें, सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, जमीन पर भी एक साथ रहें और उस स्नो में मिलकर खेलें। ट्रेडिशंस की कुछ बात करें, ओके। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे खैरिया से। खैरिया, हमें कुछ बताइए किसी ट्रेडिशन के बारे में। तो मैं आपको लेडीशा के बारे में बताना चाहूंगी। हाँ, तो लेडीशा 18th सेंचुरी से चला आ रहा है, एंड हम लोगों ने बहुत सारे पहले उसको बुला दिया है। वी डोंट नो व्हाट्स लेडीशा नाउ। अगर मैं अपने पेरेंट्स को पूछूं कि लेडीशा क्या है, तो दे डोंट इवन नो। तो लेडीशा एक ऑथर है, एक सिंगर है, एक राइटर है। लेडीशा उसको बुला सकते हैं, जो सॉन्ग वो गाएगा हम उसको लेडीशा बुला सकते हैं, जो कश्मीर ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं। या तो हम लेडीशा उस इंसान को बुला सकते हैं जो वो सॉन्ग गाएगा, दोनों लेडीशा ही होता है। तो लेडीशा हमेशा सीरियस बातें नहीं करेगा, वो सीरियस मैसेजेस हमेशा नहीं देता, पर कभी कभी वो उसमें कुछ ह्यूमर या कुछ कॉमेडी भी दे देता है। लेडीशा का काम होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए विद एक सोशल कॉज, एक सोशल मैसेज लेके। या तो वो यहाँ से, अगर हमारे पास कोई सोशल कॉज है, वो हमारी बात गवर्नमेंट तक या गवर्नमेंट की कोई मैसेज हमारे तक पहुंचाता है। लेडीशा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जिसको डुकर बोलते हैं, एंड वो तो डुकर बोलते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। लेडीशा म्यूजिक के साथ भी गाता है, म्यूजिक के बगैर भी गाता है। वेरी नाइस। देखिए, खैरिया ने हमें बताया है लेडीशा के बारे में। लेडीशा सोशल मैसेजेस देते हैं अपने हिसाब से, वो पोएट्री जैसी गाते हैं। जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको हम उनकी एग्जांपल भी देंगे और आपको और पता लग जाएगा कि क्या मतलब है उसका, लेडीशा का। हम आते हैं परिस्थिश पर। परिस्थिश, कुछ कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन के बारे में बताइए। मैं आपको साइबर सप्तम के बारे में बताना चाहूंगी। साइबर सप्तम हमारी देवी के बारे में होता है, उनका नाम है रूपवानी माता। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो रूपवानी माता एक बहुत ही पायस लेडी थी। जब उनकी शादी हुई, उनके इनलॉज उन्हें पहचान नहीं पाए, तो एक कश्मीरी पंडित फेस्टिवल पर उनके घर से खीर आई, एक छोटे से पॉट में खीर आई। उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि मैं इतनी छोटी सी खीर को इतने सारे मेहमानों में कैसे बांटूंगी। रूपवानी माता ने कहा, आप बांटते जाइए, बस इसका ढक्कन नहीं, ढक्कन मत खोलेगा। वो बांटती गई, बांटती गई, खीर खत्म ही नहीं हुई और सबको उनकी ग्रेटनेस पता चली। इस दिन हम फास्ट का खाना खाते हैं और खीर भी खाते हैं, क्योंकि खीर के माध्यम से रूपवानी माता की ग्रेटनेस पता चली। वेरी नाइस। तो हमें परिस्थिति ने बताया साहेब सतम के बारे में, इन्होंने रूप भवानी का नाम लिया। ऐसे ही हमारी कश्मीरी और भी लेडीज हैं जो मिस्टिक्स हैं, कुछ पोएट्स हैं, जैसे ललदेद हो गई, जैसे हब्बा खातून हो गई, और रूप भवानी भी, इनका भी उसमें नाम आता है। बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है खैरिया के लिए। आप जैसे आपने कहा कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, तो आपने यकीनन कुछ वेकेशंस ली होंगी लाइफ में, कहीं आप गए होंगे। तो हमें किसी बताइए कहाँ कहाँ गई हैं आप और कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी।
मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, पर कश्मीर जैसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि मैं कश्मीर में हर प्लेस पे घूम के आई हूँ, एंड मुझे लगता है अगर दुनिया में कोई भी ऐसी जगह है जो मेरी फेवरेट है वो कश्मीर है, तो मैं ऑब्वियसली एंड मैं चंडीगढ़, दिल्ली एंड बहुत सारी जगहों पे गई हूँ। यकीनन कश्मीर से खूबसूरत कुछ नहीं है, कश्मीर घर है, आप कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में। मैंने कई दफा कहा है कि आप मकान बहुत बना लेते हैं लेकिन घर आपका एक ही जगह होता है, और घर कश्मीर होता है। हमें बताइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए खैरिया, कि जिससे सुनने वालों को ये समझ आए कि आप क्या कहना चाहती हैं, कि क्या है ऐसा कोई ऐसी जगह कश्मीर में जहां आपको बहुत सुकून आता हो, आपको जो तो जब मॉर्निंग होती है तब मैं और मेरी फैमिली डल लेक है, हम उधर जाके वॉक के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, एंड वो नजारा बेस्ट होता है। इट्स अ वेरी प्रेशियस मोमेंट, वो नजारा बहुत, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा नजारा होता है। तो वही ऐसी बहुत सारी जगह है कश्मीर में, फॉर एग्जाम्पल पहलगाम और गुलमर्ग एंड बादाम वारी, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो, एंड उनसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। फोर्थ स्टैंडर्ड की बच्ची देखिए सुकून की बातें करती है, वेरी इंप्रेसिव, क्या बात है। तो मतलब नेट नेट ये है कि आप बहुत जगह घूमी है लेकिन कश्मीर जैसा सुकून कहीं नहीं है, जो आपको कश्मीर में महसूस होता है वो कहीं महसूस नहीं होता है। ठीक है, बढ़िया। हम आते हैं परिस्थिति पर। परिस्थिति आपने अभी तक देखा, आप दोनों ने देखा होगा, हमने 3 एपिसोड हम कर चुके हैं, चौथे एपिसोड में आप है। क्या आपके दिमाग में आई बात कि आपने सोचा कि मैं जान के लिए एनरोल करूं, अश्विन कौशल जान में मैं एनरोल करूं? मम्मा ने मेरा एनरोल किया। मम्मा मम्मा को तो लगता है कि ठीक है करते हैं एनरोल, मम्मा ने किया एनरोल। तो फिर मैंने जब देखा तो मेरे को, मैंने पहला 3 एपिसोड देखा, फिर मैं सोचने लगी कि जान, एक तो दिन पहले मैं एक्साइटेड थी कि ये दिद्दा का एपिसोड है, मैं एक सेलिब्रिटी से मिलूंगी। दूसरा, फिर मेरे को दूसरा, जब मैंने 3 देखे वो, तो मेरी एपिसोड एक्साइटमेंट भी थी बट आधी एक्साइटमेंट नर्वसनेस में बदल गई, क्योंकि मेरे को भी लगा क्योंकि कि अगर मैं अटेंड करूंगी, मेरे को सब लोग देख रहे होंगे और वो सारी चीजें। बट आपको फिर पहले 3 एपिसोड में क्या अच्छा लगा जिस वजह से आपने सोचा कि चलो मैं भी करती हूँ एनरोल? पहले एपिसोड में हमें कल्चर, हर किसी के रिलीजन के बारे में पता चल रहा है, और दूसरे में, दूसरे वाले एपिसोड में, पहले वाले एपिसोड में मैंने स्नो देखी, दूसरे वाले एपिसोड में मैंने बर्तन देखे, तीसरे वाले एपिसोड अच्छा लगा आपको। तो मतलब कहीं ना कहीं, चाहे आप इतने छोटे से हो और आप जब कश्मीर गए हो एक दफा अपनी लाइफ में, तब आप कुछ मंथ्स के थे, तो कहीं ना कहीं आपको भी क्यूरियोसिटी है कि वहां कैसा रहता है, कैसे लोग रहते हैं, हाँ, जो हमारी असली, जो हमारी जमीन है। मैं भूल भी गई कश्मीर दिखता कैसा है, क्योंकि तब मैं 7 महीने की थी, तब मेरे को 7 महीने में आपको कुछ याद कैसे होगा, ऑब्वियसली। सो अच्छी बात है। तो हम, पता था। अब आपका कोई प्लान है कश्मीर जाने का? कुछ कहते हैं दादा दादी मम्मा पापा? थोड़े दिन पहले दादी ने कहा था कि अब तो मैं कहने लगी कि मेरे को स्नो देखनी है, मेरे को स्नो देखनी है, कश्मीर कब जाएंगे, कब जाएंगे। तो फिर दादी ने कहा अब हम 2022 में जाएंगे कश्मीर, अपना वहां मकान खरीदेंगे, वहां रहेंगे थोड़े दिन, फिर वापस आएंगे। क्या बात है, हाँ बस उस तब आपकी मुलाकात हो जाएगी खैरिया के साथ, है ना? अच्छा, मैं कमेंट्स, वैसे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसमें वो कह रहे हैं दे आर लुकिंग लाइक ट्विन सिस्टर्स। मुझे लगता है लोगों को पता लग गया है कि आपने काफी जान कर ली है अभी तक।
जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें बताती चलूं कि हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे पास एक गेस्ट हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत प्यारे हैं, तो उनकी उनसे मुलाकात करने के लिए हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्या कहते हो, अब हम करें अपना कश्मीरी क्विज, कश्मीरी वोकैबुलरी क्विज? ठीक है, तो देखने वालों को भी बता दूं, हमने एक सेगमेंट शुरू से ही रखा है जिसका नाम है कश्मीरी वोकैबुलरी क्विज। इसमें हम जो है बच्चों से थोड़े सवाल पूछते हैं। इसके बाद हम एक और सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है सिर्फ कशुर। उससे होगा कुछ नहीं, उसमें बच्चे मेरे साथ या तो कश्मीरी में गुफ्तगू करते हैं या मुझे कोई गाना सुनाते हैं, कोई राइम सुनाते हैं। वो सिर्फ इसलिए जो हमारी मीठी दिल के करीब कश्मीरी जबान है उसको हम बहुत बहुत इज्जत देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वो पहले से ही हकदार है। तो एक छोटा सा क्विज करते हैं, उसके बाद हम अपना सिर्फ कशुर सेगमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो मटन को क्या बोलते हैं जो हम सब कश्मीरियों को अच्छा लगता है? मास मांस। परिस्थिति क्या बोलते हैं मटन सुन को? सुन। सुन तो कश्मीरी पंडित जो हैं वो सुन बोलते हैं, और जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो मास बोलते हैं। कश्मीरी पंडित, जैसे हम मुसलमान हमारे बोलते हैं माज फूल, हम बोलते हैं नैनी फूल। ये हम सबको बड़ा प्यारा होता है, ये माज फूल और नैनी फूल। दरवाजे को क्या बोलते हैं? खैरिया। दरवाज़ ओके, दरवाज बे। और क्या बोलते हैं? लुक एट मी, नो चीटिंग। दरवाजे भी बोलते हैं और हम बोलते हैं बार, बार दे, बार भी होता है, दरवाजे को हम बार भी कहते हैं। ठीक है, स्वैलो करने को क्या बोलते हैं? स्वैलो, सापन, स्वैलो, दैट इज चूइंग, वो हुआ चू करना। श्रपुन, श्रपुन हुआ डाइजेस्ट करना। श्रपुन स्वैलो करने को बोलते हैं नंगलाउन, नंगलाउन। बोलो जरा, नंगलाउन। हाँ, शुक्र है। टेलर को क्या बोलते हैं? किसको? टेलर को, टेलर को, दर्जी। दर्जी को क्या बोलते हैं? सुच, सुच, सुच। बोलो जरा, सुच। सुच। चले, चलो कोई बात नहीं, नॉट बैड, एटलीस्ट याद तो रहेगा ना। ठीक है, और मैं एक और चीज है, ये जो बच्चे यहाँ आते हैं, ये हमारा चौथा एपिसोड है, ऐसा ना हो कि आप ये जो सिर्फ कशुर सेगमेंट और कश्मीरी वोकैबुलरी तक ही याद रखते हैं इन लफ्जों के मीनिंग। मैं चाहूंगी और आपके बड़ों से गुजारिश भी करूंगी, जब ये जान का प्रोग्राम खत्म भी होता है तब भी आप अपने बच्चों को जरा इनकरेज करें कि वो कश्मीरी में बात करें, कश्मीरी जो लफ्ज हैं उनके मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं सिर्फ कशर सेगमेंट की तरफ। तो शुरुआत करेंगे खैरिया के साथ। खैरिया, क्या करेंगे, बात करेंगे मेरे साथ कश्मीरी में या कुछ सुनाएंगे? मैं आपको एक राइम दे सकते हैं, मैं आपको वो सुनाना चाहूंगी। कहिए। बिस्त बिस्त प्यारो कुत खोवन, तोरे क्या वो लुत बबरी बन, सुख मन त्रोवत कोतरन, कोतर पीठी मारकन, सुन चंदन तारकन, सुना जून अंगन यंगन, स्वर्त जी तिमे कसकनी है, टाइल कनी है, राय क्या जुतने, हसमुन गुर बस मुन्ना। थैंक यू, वेरी नाइस, गुड अटेम्प्ट। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो और सुनना पड़ेगा ये आपको, लेकिन अच्छा, गुड अटेम्प्ट फॉर अ गर्ल हु डज नॉट स्पीक इन कश्मीरी, जो कश्मीरी में बात नहीं करती, उनके लिए गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छी कोशिश। ठीक है, अब सिर्फ कशिश सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं परिस्थिति सफाया के पास। क्या सुनाएंगे? जैसे कि खेरिया ने बताया था लड्डीशा के बारे में, मैं लड्डीशा की ही एक राइम बोलना चाहूंगी। क्या बात है जी, लट्टीसा लट्टीसा दार किन प्यावा नहीं हाप तन ख्याप, दन्ना नहीं वुन्ननस केहेन गावुन कौंडली, सुतुली से तर बोतल नाय,
दीदी वाले गटका हिर मंज खारे गिल टूरा। वेरी नाइस। तो खैरिया ने हमें बताया था लड़ी शाह के बारे में, और इन्होंने थोड़ा सा लड़ी शाह गा के भी सुनाया। तो इसमें हमेशा एक हिडन मैसेज होती है। कभी कभी लड़ी शाह जो है हमें सोशल टैबूज के बारे में वो बात करते हैं, और कभी कभी वो तंज करते हैं, और इसी अंदाज में लड़ी शाह गाते हैं। इस स्टाइल को लड़ी शाह बोलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको अभी तक हमारे साथ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है। ठीक है, मैं सुनने वालों से बताऊं कि हमारे साथ जो है आज एक गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। मैं मुझे खैर ने बताया था कि एक एनिमल लवर है, तो मैं चाहूंगी ये मुझे अपने एनिमल लव के बारे में कुछ बताएं। मेरे ख्याल से हम लोग बर्ड को केज करते हैं, तो बर्ड्स को केज अगर करते हैं। हम कोई और एनिमल लाए या कोई पेट लाए तो कम से कम वो उधर जा सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है, पर जो बर्ड होता है उसको अपनी फुल जिंदगी एक छोटे से केज में रखना चाहिए। अगर हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग बर्ड्स को फ्री कर सकते हैं, हम लोग कोई शॉप पे जाके बर्ड्स को फ्री कर सकते हैं। वी कैन गेट अ कैट, डॉग, रैबिट, एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो पेट्स का ग्रोथ कर सकते हैं। एनिमल्स बात नहीं कर सकते पर हम उनकी फीलिंग समझ सकते हैं। तो मुझे एनिमल्स पर्सनली बहुत पसंद है, एंड एनिमल्स मतलब उनके साथ मोस्ट लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो आई डोंट लाइक दैट। क्योंकि अगर आपको कैसा लग रहा कि आपके साथ कोई अच्छे से बिहेव ना करे, तो इट हैपेंस विद देम, तो इसलिए हमें उनकी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड हम अगर जैसे लॉकडाउन में इनको फूड नहीं मिलता, हम उनको फीड भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। आपके पास है कुछ बर्ड्स कभी जो आपने फ्री किए हो, या आपने ऐसा कुछ किया है अभी कभी? प्लान तक तो नहीं, प्लान हो रहा है। हो रहा है। क्या क्या खरीदना चाहेंगी आप? कैट कैट खरीदना चाहेंगी। ओके, वेरी नाइस। तो एक कैट खरीदेंगी, दो कैट्स खरीदेंगी, कितनी कैट्स टू खरीदेंगी? दो कैट्स कैट्स, खरीदेंगी। क्यों, कोई वजह उसकी? हाँ, क्योंकि अगर हम इसको टू कैट्स खरीदते हैं कम से कम वो लोनली तो नहीं रहेंगे। क्योंकि हम लोग मेरे घर में हम लोग घर पे नहीं होते मोस्टली, तो वो बेचारी भी तो उसके पास भी तो फीलिंग्स है ना, शी वुड हैव अ बडी। हाउ स्वीट। उसके पास भी फीलिंग्स है, सही बात है। और बड़ी अच्छी मैसेज दी है इन्होंने। ये कह रही हैं कि जो कैट्स हैं उनको कंपनी होनी चाहिए, इसलिए मैं दो कैट्स खरीदूंगी। और जो उड़ने वाले जानवर हैं जिनको हम वुडविन जानवर बोलते हैं कश्मीरी में, बर्ड्स हैं, उनको फ्री करना चाहिए, केज नहीं करना चाहिए। तो ये गुनाह है, पाप है, सही बात है। मैं दो आई एम नॉट आई डोंट हैव एनी एनिमल्स, आई एम जू फोबिक, मुझे डर लगता है जानवरों से, लेकिन मुझे आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक है, एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड मैसेज। अच्छा, हम आते हैं परिस्थिति पर। परिस्थिति वेकेशंस की बात हो रही थी, आपकी कोई फेवरेट वेकेशन है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? मेरी फेवरेट वेकेशन है मेरा स्लीप ओवर जो स्कूल में हुआ था। ओह ओके, बताइए कुछ। आप जैसे नॉर्मली हम स्कूल जाते हैं फिर वापस घर आ जाते हैं लॉकडाउन से जी पहले, बट स्लीप ओवर के दिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब हमारा स्कूल खत्म हुआ, हम जी सूटकेस में, जब हमारा जी स्कूल खत्म हुआ तो हम उस ऑडिटोरियम में गए जहाँ हमारे सूट केसेस रखे थे, तो जी हम अपने सूट केसेस रिकग्नाइज कर सकते थे। हमने अपने सूट केसेस लिए और हमें एक क्लास के लिए दो डिफरेंट कमरे करने किए थे, एक तो हम वहां गए थे। हमें छुपने की भी जगह मिली हुई थी कि हम अपने कपड़े भी बदल सकते, जी तो उस जगह जाकर अपने कपड़े बदल लिए मैंने। तो
गए तो फिर मुझे हमें, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हमारे हमने टेलीस्कोप से स्टार्स देखे और मून देखा, हमारे टैलेंट शोज हुए। मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो दूसरों के साथ कर रहे थे टैलेंट शो, और मेरे पास कोई नहीं था और सोलो कर नहीं सकते थे टैलेंट शो क्योंकि फिर उसमें बहुत वक्त लगता, पूरी क्लास 4 थी। वेरी नाइस। तो आपने आपने लेकिन टेलीस्कोप से क्या देखा? आपने मून गेजिंग वगैरह भी की थी, स्टार गेजिंग वगैरह की थी? स्टार मैंने एक स्टार देखा, डिफरेंट स्टार, जहां सोर्स। से हम देखते हैं ना, यहाँ से हमें छोटे छोटे डॉट दिखते हैं स्टार, पर असल में जी वो बहुत बड़े होते हैं। मेरे को एक स्टार दिखा जिसकी शेप ऐसी थी, वो बहुत यूनिक लगा मुझे। वेरी और नाइस। बहुत हमें एक स्टार दिखाया गया, उसको एकदम क्या स्पॉट बात पर है, दिखाया गया। बहुत कम बच्चों को ऐसे शौक होते हैं टेलीस्कोप से स्टार गेजिंग करना या बाकी चीजें देखना। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अब खैरिया को तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी टेलीस्कोप की, इनके यहाँ आसमान बहुत साफ होता है, पॉल्यूशन कंपैरेटिवली कम है तो चांद दिख जाता है, यहाँ तो कभी कभी मून भी नहीं दिखती पोल्यूशन की वजह से। गुड, बहुत अच्छी बात। बहुत थोड़ी देर में हम अपने जो गेस्ट हैं उनको ऐड करेंगे, लेकिन आज बात हो रही थी लडीशा की। हमें खैरिया ने लडीशा के बारे में बताया और परिस्थिति जो है उन्होंने थोड़ा सा हमें लडीशा गा के सुनाया। बड़े इत्तेफाक की बात है, आज ही के दिन 3 साल पहले मैंने भी एक लडीशा लिखा था, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। उसका नाम मैंने रखा था मर्ज कशीर। ठीक है, सुनाओ लडीशा स्टाइल में सुनाते हैं। दक्षिण किन मंदिर ते खोविर मशीद, याथ जाए नावना मर्ज कशीर, नदबब सनिस अस उस्ताद लल देत, सरी अस पूजान अकिस कली याथ वनान अस रेत, जवार जंदस्ती गाव खोरत, आरस मंजिली लोकठ कोश, आखमनावान ईत ब्याक हेरत, यति ओस आसान यह मायत मोहबत, यावन तोस ऋषिवर या पीरवर, अस ओस आसान यह मायत लोल, वंचुन लगान यति कठ कोश, अचल सरी कुल बे हखनव सव्यत, एम सिंदेव शुरेव रोट एम इस निश्लोक, काकरान तिजारत कासी आसत। ऐसे ही और ये आगे है, पूरे 4 या 5 मिनट का है, तो ट्रांसलेशन के साथ ये मैंने ऐड किया है अपनी यूट्यूब चैनल पे। इसका टाइटल है मर्ज कशीर, तो इसमें मैंने कहने की कोशिश की है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश की है। दक्षिण किन मंदिर त खोविर मशीद, यानी दाहिनी तरफ जो मंदिर है और बाहिनी तरफ जो है मस्जिद है, लोग साथ में रहते थे, अपने हिसाब से प्रे करते थे और उस जमीन में इकट्ठे रहते थे। तो ये है हमारा कश्मीर, ऐसा हुआ करता था। हम हमेशा दुआ करते हैं कि ऐसा वक्त वापस आए, सब लोग मिलजुल कर रहें, ठीक है। और जिनको भी ये समझ ना आया हो, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग हैं जो कश्मीरी जबान नहीं जानते, बच्चों की ये प्रोग्राम हम उर्दू अंग्रेजी में करते हैं तो वो सुनते हैं, तो उनसे अगर वो इसका मतलब समझ जानना चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, वहां मैंने ट्रांसलेशन भी लिखा है। मुझे लगता है वक्त आ गया है अब अपने गेस्ट को मैं बुलाने का। जी, आपको कुछ कश्मीरी चीजें सिखाना चाहूंगी आप सबको। कश्मीरी चीजें दिखाना चाहोगी? जी, फटाफट, वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो ये जो छोटा सा बुक्स दिख रहे हैं, तो ये विलो का बना हुआ है जो ओके कश्मीर में बहुत सारी चीजें बनी होती है। जी एंड जो ये है, ये वॉलेट पीस से बने होते हैं, बहुत सारी कश्मीर में ऐसी चीजें हैं जो वॉलेट पीस से बने होते हैं, इवन टेबल भी वॉलेट पीस से बने होते हैं। एंड वेरी टेबल मशीन इज वेरी गुड आर्ट इन कश्मीर, वेरी नाइस। इसकी बहुत सारी चीजें बनती है, लाइक लैम्प, क्या एंड है। तो क्या ये बात कश्मीरी ट्रेडिशन से बहुत मैच करता है। इस ये क्रिबल का बैकग्राउंड इस पे हैंडीक्राफ्ट है। जी तो हमारे जो कश्मीर है वो बहुत ज्यादा रिच है इन चीजों में। तो ऐसे ही हमारे पास कश्मीर में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको दिखाई, ये उनमें से कुछ थी।
कश्मीर तो हैंडीक्राफ्ट से भरा हुआ है, इधर वेविंग होती है मेनी थिंग। जी बहुत शुक्रिया। खैरिया ने अभी जो पर्स दिखाया उसी के सिमिलर डिजाइन का मेरे पास एक पिल्लो है। हाँ पिलो होता है, उसके पर्दे भी होते हैं, हमने पिछले से पिछले एपिसोड में देखा था। क्रिवल क्रिवल बोलते हैं इसे, और ज्यादातर कश्मीरी घरों में इसके पर्दे भी बनते हैं और पिलो कवर्स भी होते हैं, ये सच है। कुछ इस ओके तरीके भी चलिए, पिलो कवर्स होते हैं जी, हाँ भी इस कश्मीरी पर में आते हैं। जी चलिए, अब हम बुलाते हैं अपने गेस्ट को, ठीक है। एक सेकेंड जी, अब हम ऐड करने वाले हैं अपने गेस्ट को। लेट अस सी, ये कहाँ चला गया हमारा गेस्ट? व्हाई एम आई नॉट एबल टू ऐड देम? एक सेकंड जी, आज ये टेक्नोलॉजी जो है ना हमारे साथ नहीं है, मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं गेस्ट। एक सेकंड गेस्ट जी, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए ऐड होने की। गेस्ट का हम तब तक नाम नहीं लेना चाहते जब तक वो यहाँ आए ना। एक सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू ऐड देम। मुझे दिख रहे हैं, एक सेकेंड, इनको मैं एक मैसेज भेज देती हूँ। चैट में कुछ टाइप किया देखा मुझे। हाँ वो तो गलती से था, लेकिन ये क्या हो गया है इसको? एक सेकेंड, मैंने उन्हें मैसेज किया है अभी तो। पता नहीं वो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। जिद्दा आपने अपनी एक ही ड्राइंग दिखाई थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कोई बात नहीं, पहले मैं इनको ऐड कर लूं। गेस्ट ही नहीं मिल रहे हैं मुझे, एक सेकेंड, आई थिंक दे आर नॉट लॉग्ड इन। एक सेकेंड जी, अगर आप लॉग्ड इन हैं तो जहां पे मेरा ये लाइव दिख रहा होगा आपको उस पे डबल क्लिक करें और आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मुझे। आपकी स्क्रीन पे लोडिंग दिख रहे हैं आपको? नहीं, आई एम नॉट एबल टू ऐड देम। होल्ड ऑन वन सेकेंड, वी आर हैविंग अ बैड बैड डे। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। दिस इज हाउ वी ऐड देम, बट आई कांट जस्ट फाइंड देम। एनीवे एक बहुत बुरा दिन। एक सेकंड, कोशिश कोशिश जारी, और मुझे लगता है कोशिश सक्सेसफुल। आई हैव सेंड देम अ रिक्वेस्ट, सो वी आर वेटिंग। लो जी, लो क्या जी, बात क्या है, बात है, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं आपको बता मैं रही हूँ, आपको ये बता हमारे दूँ, ये स्पेशल हमारे गेस्ट स्पेशल हैं। गेस्ट हैं। आप कहाँ रह आप गए कहाँ थे? रह गए थे?
कब से कोशिश कर रही हूँ उनको ऐड कर रही हूँ ऐड करने करने की। तो की। तो इनका इनका नाम है नाम है हरजोत, हरजोत और क्या और बोलते क्या हैं, ये बोलते हैं, बहुत ये बहुत छोटे हैं छोटे हैं, इसलिए इनको इसलिए गेस्ट इनको की गेस्ट तरह की तरह बुलाना पड़ा। बुलाना पड़ा, ये पूरे ये पूरे एपिसोड में एपिसोड में नहीं बैठ नहीं सकते बैठ थे, सकते थे, जैसे आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं बड़े बड़े छोटे छोटे से से हैं। 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 ठीक है, ठीक है। अज्जो हमें अज्जो अपना हमें थोड़ा अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है हरजोत सिंह, जोर से मैं जोर से। यूके की क्लास से पढ़ता हूँ। मैं कश्मीर हूँ। कश्मीर में हो, कश्मीर क्या में क्या हो, क्या करना क्या अच्छा करना लगता है? अच्छा लगता है? स्कीइंग स्कीइंग ओके ओके स्कीइंग अच्छी स्कीइंग लगती अच्छी है, लगती है, क्रिकेट खेलना क्रिकेट अच्छा खेलना लगता अच्छा है। लगता है। ओके गुड, ओके गुड। आज कुछ आज कुछ सुनाओगे हमें सुनाओगे हमें कश्मीरी? कश्मीरी में क्या क्या फुकुस 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 आज फुकुस 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 कर कर देख लांज लांज सुनाओ बेटा सुनाओ बेटा जबरदस्त। ये जो आपने ये जो आपने लैली पीछे बहुत सही बहुत सही वेरी नाइस वेरी नाइस। आपको क्या आपको और क्या कश्मीर और में क्या कश्मीर अच्छा में क्या लगता अच्छा है? लगता है अर्जुन गुरमलक 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 गुलमर्ग 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 अच्छा लगता है। यस मैम वेरी नाइस वेरी क्या नाइस। करते हो क्या करते हो गुलमर्ग में? स्कीइंग स्कीइंग करते हो? आपको आपको आती है स्कीइंग? वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है जी, ये ठीक है जी, ये थे हमारे बहुत प्यारे से गेस्ट। इनका नाम का नाम है हरजोत। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटे बहुत छोटे हैं, तो ये पूरे पूरे एपिसोड में नहीं बैठ सकते थे, तो इसलिए हमने इसलिए हमने इनको गेस्ट की तरह बुलाया है। थैंक यू सो मच हरजोत। ठीक है ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ आपको अच्छा आपको लगा अच्छा लगा थैंक यू बेटा आपको अच्छा लगा तो हमें लगा, भी तो अच्छा हमें भी अच्छा लगा। ठीक है ठीक है, तो अभी तो हम अभी हम बाय 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 करते हैं आपसे फिर से बात फिर से बात हुई। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू अर्जुन। से बाय से बाय टू अर्जुन गर्ल्स बाय जी। ये थे हमारे छोटे से गेस्ट और आवाज में शायद थोड़ी परेशानी हो रही थी, ब्लर आ रही थी, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। टेक्नोलॉजी पे हमारा कोई जोर नहीं है, मैं पहले ही बोलती हूँ सेशन लाइव है, इसमें एडिट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये सब जो हिकअप्स हैं टेक्नोलॉजी के ये सब होता ही रहता है। ठीक है, वक्त आ गया है आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मुझे खैरिया ने कहा था और परिस्थिति ने भी कहा था, ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं और खैरिया ने प्रोजेक्ट अश्विन कशिर जान के लिए कुछ लिखा है, तो पहले हम वो सुनते हैं और उसके बाद जो है इनकी मैसेजेस सुनेंगे। ओके सो चाहे हो यहाँ हिंदू सिख या मुसलमान, हमें तो करनी है जान, तो आई है आपकी दिदा जान लेके एक और एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट जान। क्या बात है, दैट्स वेरी स्वीट। आप मुझे बाद में ये टेक्स्ट करके भेजिएगा जो आपने लिखा है। ठीक है, दैट वाज वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट ऑफ यू जी। अपना मैसेज सुनाएं। मैं आपके पास मैसेज था जी। तो जब स्कूल्स खुल रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपनी अपने आप का मतलब अपने आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें। रिटर्न टू स्कूल इज रियली अ ग्रेट एक्साइटमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, बट इट्स नॉट इजी। हम लोगों को कुछ चीजें फॉलो करनी है, कुछ SOPs गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जैसे कि आपको मास्क पहनना है, आपको आपको सैनिटाइज करने हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ऐसे बहुत सारी चीज है। तो आप लोग अपनी अच्छे से SOPs फॉलो करें एंड स्कूल जाना तो सबके लिए बहुत एक्साइटमेंट है, तो पर SOPs जरूरी फॉलो करें। हमें हैंड जी बिल्कुल, कोविड का वक्त अभी भी चल रहा है, तो चाहे इसको एक साल हो गया हो लेकिन हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल अभी भी करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। सो दैट्स अ गुड मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू खैरिया। परिस्थिति, यू हैव अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड एज वेल। ये लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस के लिए कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। nice.
एक दूसरे के कल्चर और रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी हमको जो है मैसेजेस दी। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी सबको कश्मीरी कश्मीरी लैंग्वेज पे, इफ योर लैंग्वेज इज अवर प्राइड, डोंट, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनीवन टू एनीवन टू रिस्पेक्ट यू और योर लैंग्वेज। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज, ट्राई टू स्पीक इन इट। गुड, सो दोनों बच्चे यानी कि जो आप दूसरों को बता रहे हैं आप भी इस पर अमल करें, ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी में बात करें, ठीक है। और मैं सुनने वालों से एक बात कहना चाहती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं हेरत आने वाली है शिवरात्रि, जो हमारा कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो मैं आपसे ब्रेक लूंगी, ये जो अश्विन कशुर जान के जो एपिसोड्स हैं मैं कुछ 2 वीक्स का ब्रेक ले रही हूँ, तो आप मुझे थोड़े कुछ 2-2.5 हफ्तों के बाद देखेंगे, क्योंकि आप घर पे बहुत काम है, ये फैमिली टाइम होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारा, तो काफी ज्यादा हम जो फैमिली के लोग हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और इस फेस्टिवल की तैयारियां करेंगे, आज से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो मैं आपसे ब्रेक लूंगी, तो 2 हफ्ते बाद मेरे ख्याल हम अपना एपिसोड 5 लेकर आएंगे और दिलचस्प छोटे मेहमानों के साथ। वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का, असिफ बसिफ लसिफ, खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया, आप दोनों बच्चों का शुक्रिया, देखने वालों से गुजारिश इन दोनों बच्चों को अपना प्यार भेजें, इनको अपनी दुआएं भेजें, और अगर अश्विन कशुर दिदा अपनी दिदा को अभी तक आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अश्विन कशुर दिदा को YouTube पर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें Twitter पर, Instagram पर और Facebook पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का, एक बार फिर माफी चाहती हूँ जो बीच में हमारे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हुए उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय 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 बाय।